ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाई जाने वाली फैमिली है। ट्रॉपिकल का मतलब क्या हो गया, जो गर्म जगह होते हैं, ठीक है, उस जगह, उस गर्म का मतलब होता है कि ठंडा नहीं होना चाहिए, टेम्परेट जोन नहीं होना चाहिए, शीतोष्ण नहीं होना चाहिए, जहाँ नमी बरकरार रहे और गर्मी रहे थोड़ी, उस जगह पाई जाने वाली फैमिलीज हैं, फैमिली है। इसके अंतर्गत 110 जेनरा आते हैं और 640 जातियाँ आती हैं। भारत में भी ये फैमिली जो है वो 37 वंश और 37 जेनरा और 97 स्पीसीज द्वारा अपने आप को प्रस्तुत करती है, प्रदर्शित करती है। ओके, इसका भारत भर में बिखराव है या इसकी खेती होती है। चीफ सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज हाउएवर इन ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है, पूर्वी हिमालय जो है इसका मुख्य क्षेत्र है इसके वितरण का। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो लौकी है, तरबूज है, खीरा है, ठीक है, जितने भी जायद की फसलें होती हैं ना मोस्टली, वो सब आती हैं इसके, जायद की फसलें जितने भी हैं वो इसके मेंबर्स हैं। रेड पम्पकिन लिखा हुआ है, मैक्सिमम मेलन जानते हो उन्होंने, तरबूज, खरबूज, खीरा, वो सब इसके सदस्य हैं। लिखा हुआ कॉमन स्पीसीज ग्रोन फॉर कल्टिवेशन, इनकी खेती की जाती है। इसका वेजिटेटिव करेक्टर क्या है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, कद्दू, कोहड़ा, लौकी, तरोई, इसका पौधा देखें आप लोग, ठीक है, वही लिखा हुआ है, दे आर ट्रेलिंग, ठीक है, ये ऐसे पौधे होते हैं जो चढ़ जाते हैं किसी चीज़ पे, बस टेंड्रिल्स होते हैं और किसी भी सपोर्ट, किसी भी चीज़ का, लकड़ी का या फिर दीवार का सपोर्ट मिलने पे ये ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं। ये प्रायः एनुअल होते हैं या बहुवर्षीय भी होते हैं, एनुअल अदरवाइज पेरिनियल हर्ब्स, शाकीय पौधे हैं, ये ठोस नहीं होते, सॉलिड नहीं होते, साक मुलायम तने वाले होते हैं, पत्ती वाले होते हैं, ठीक है। लिखा हुआ यूजुअली क्लाइंबिंग बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल, टेंड्रिल के सहारा से ये पेड़ों पे या फिर ऊपर क्यों चढ़ जाते हैं। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ टेंड्रिल हैज़ बीन मच डिस्प्यूटेड, ठीक है, जो टेंड्रिल का मॉर्फोलॉजी है उस पर विवाद है बहुत ज़्यादा। एंड दे हैव बीन वेरियसली कंसिडर्ड एज रूट, अधिकांश लोग, कई लोग ऐसे हैं, अलग अलग लोग जो हैं, जो वैज्ञानिक ही हैं, वो लोग अलग अलग लोग इसे, कुछ लोग इसे जड़ बोलते हैं, तो कुछ लोग इसे तना बोलते हैं, पत्ती बोलते हैं, स्टिपल बोलते हैं, ठीक है, सूट लिखा हुआ है, फ्लावर का स्टाल्क बोलते हैं, ठीक है, या अलग अलग ऑर्गन्स बोलते हैं। दे मे हैव डिफरेंट ओरिजिन इन डिफरेंट जेनरा, ये देखो एक चीज़, और अलग अलग जीनस में टेंडल का ओरिजिन भी अलग अलग होता है, ठीक है, किसी जीनस में पत्ती से ओरिजिनेट हो रहा है, किसी जीनस में किसी और भाग के लिए हो रहा है। टेंडल्स आर अब्सेंट इन इकबैलियम, इकबैलियम एक पौधा है जिसमें टेंडल्स नहीं पाया जाता, ठीक है, इसमें टेंडल नहीं पाया जाता। और इस फैमिली में केवल एक ही है ऐसा पौधा जिसे हम लोग पेड़ कहते हैं, क्या लिखा है, डेंड्रोसियोइस, ये लिखा ना, ये अकेला पौधा है इस फैमिली का जो वृक्ष है, पेड़ है, नहीं तो सब के सब हर्ब्स होते हैं। अब लिखा हुआ स्टेम, इसका तना कैसा होता है, कभी आप लोग लौकी, कोहड़ा, नेनुआ, तरोई का तना देखें, ठीक है, लिख रखा है यूजुअली हर्बेसियस, इसका तना जो होता है शाकीय होता है, मतलब मुलायम होता है, क्लियर, शाखाएं निकली होती हैं, ब्रांच्ड होता है, तने पे देखोगे तो रोएं निकले रहते हैं पतले पतले, ठीक है, हेयरी होता है, फाइव एंगुलर, इस तने को देखेंगे आप लोग तो पांच कोण दिखाई देगा उसमें, ठीक है, फाइव एंगल्स दिखाई देते हैं, और इस तने को अगर काट के आप देखोगे अंदर की तरफ तो उसमें दो रिंग्स दिखता है वैस्कुलर बंडल का, ठीक है, बड़े वैस्कुलर बंडल का एक घेरा होता है और छोटे वैस्कुलर बंडल का एक घेरा होता है, यानी दो रिंग्स होते हैं वैस्कुलर बंडल के, पांच पांच की संख्या में, ठीक है। अगर उनकी पत्ती की बात करें, लीव्स की, तो पत्तियाँ इनकी कैसी होती हैं, तो लिखा हुआ है लीव्स आर अल्टरनेट एक्सटिपुलेट, हो गया, लॉन्ग पेटियोलेटेड, पत्तियाँ एक दाई और एक बाई की ओर होता है, स्टिपल, क्या बोले थे, स्टिपुलेट एंड एक्सटिपुलेट ना, ठीक है, एक्सटिपुलेट मतलब क्या हो गया, स्टिपल नहीं होगा, ये बोले थे ना, स्टिपुलेट मतलब क्या होगा, स्टिपल होगा, स्टिपल पे लास्ट टाइम हम लोग बात किए थे पत्तियों पे, यहाँ पे स्टिपल नहीं होगा। लॉन्ग पेटियोलेटेड यानी पत्ती का डंठल जो होगा वो बड़ा सा होगा, पत्ती में जो डंठल लगा रहेगा ना वो बड़ा होगा। फ्रिक्वेंटली कॉर्डेड, पत्ती का जो शेप होगा ना वो लगेगा बड़ा सा कॉर्डेड शेप का है, हृदयाकार है। सिंपल बट ऑफन पॉमेंटली, पत्तियाँ इसकी साधारण होती हैं लेकिन कभी कभी ये हथेली की तरह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, लोब बनाता है, इसलिए होता है कि नेनुआ की पत्ती देख लो अंदर की ओर कटा हुआ दिखाई देता है अंदर बाहर, करेला के देख लो वो और ज़्यादा कटा हुआ रहता है, देखिए इसको ना, ठीक है। और पिनेटली लोब डिवाइडेड इनटू, क्या लिखा हुआ है, पाल्मी नर्व, मतलब
हथेली क्या हाथ की तरह होता है, और पतले पतले रेसे जो होते हैं क्या बोलते हैं उसे, सॉरी वेंस जो होती हैं उसमें बिखरी हुई होती हैं। द पेटियोल इज ऑफ एन हॉलो, अगर आप इसका डंठल देख रहे हैं पत्ती का और उसको काट के देखते हैं तो अंदर से वो खोखला होता है, हो जाएगा ठीक है। अगली रीडिंग इसकी जो है वो इन्फ्लोरेसेंस और